जो नेता प्रतिपक्ष इस पर जो आरोप लगाए हैं जातिवाद का, क्षेत्रवाद का और भ्रष्टाचार का, तो जो खुद जातिवाद और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। इस बात की लोग आलोचना कर रहे हैं, जनता को भरमाया नहीं, भड़काया नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा अग्निपथ परियोजना की आलोचना करने के बाद बीजेपी उन पर हमलावर होती हुई नजर आई। बीजेपी ने उन पर हमला करते हुए ये साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। आपको बताया कि बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने यह बयान दिया है कि तेजस्वी यादव को जातिवाद से ऊपर उठने की जरूरत है, वो सैनिकों का साथ ही साथ अभ्यर्थियों का मनोबल गिरा रहे हैं और ये योजना जो उन्हें लगती है कि भाजपा की योजना है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये योजना अधिकारियों के द्वारा तैयार की गई है अपनी जरूरत के हिसाब से, देश की जरूरतों के हिसाब से, ना कि ये भाजपा की योजना। युद्ध की बदलती रणनीति को देखते हुए रक्षा विभाग ने जो अग्निपथ योजना तैयार किया है उसकी सराहना करना चाहिए। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अब लड़ाई केवल बॉर्डर पर नहीं होती है बल्कि अन्य क्षेत्रों में जाकर के छद्म युद्ध लड़ा जा रहा है। इस छद्म युद्ध से लड़ने के लिए भी इस तरह की योजना कारगर होती है। विश्व के अनेक देश इस तरह की योजना बना कर करके वहां भर्ती करते हैं सैनिकों का और उसका लाभ मिलता है। आज इजराइल जो अकेले अनेकों देश से लड़ रहा है वो इसी योजना का लाभ उठा करके लड़ रहा है। आज यूक्रेन भी जो लड़ाई में रोके हुए है रूस को, इसी तरह की योजना से लाभ उठा करके कर रहा है। भारत के युवाओं को भी इस बात को समझना चाहिए। देश का परिस्थिति जो अब छद्म युद्ध होता है, बॉर्डर पर लड़ाई सिर्फ नहीं होती है, बॉर्डर के अंदर की भी लड़ाई होती है, तो इसमें जो बहाली होगी वो आईआईटी तकनीकी शिक्षण संस्थानों से या अन्य जगहों से जो बहाली होगी, पहले जो बहालियां होती थी सिर्फ 755 जिले में 168 जिले के 75% बहाल होते थे, अब 7226 ब्लॉक से इस बहाली प्रक्रिया अपना कर करके बहाली की जाएगी और जो बहाल होकर के जाएंगे वहां 4 साल काम करेंगे फिर वहां से वापस आएंगे। तो गृह विभाग ने कहा कि अर्धसैनिक बलों में या अन्य जगहों पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी सरकार ने भी घोषणा किया है कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी और कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि पीछे का जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रोक कर करके केवल यही किया जाएगा। इस बात को भी समझना चाहिए। जो नेता प्रतिपक्ष इस पर जो आरोप लगाए हैं जातिवाद का, क्षेत्रवाद का और भ्रष्टाचार का, तो जो खुद जातिवाद और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। इस बात की लोग आलोचना कर रहे हैं, जनता को भरमाया नहीं, भड़काया नहीं, देश हित में लोगों को साथ देने का आह्वान करें, यही हमारी अपील है। और युवा भी इस बात को समझे कि आप देश हित में इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करें, इसका विरोध नहीं करें।